हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग विद गिरजा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पनीर कुलचे की रेसिपी। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिए, उससे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बाउल में मैदा लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है। इसमें सॉल्ट डालेंगे, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, अब इसमें डालेंगे दही, यहाँ पर मैं 3 टेबलस्पून दही यूज़ कर रही हूँ। दही डाल दिया, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसका एक बढ़िया सा डो बना के रेडी कर लेंगे। पहले आप इसे दही के साथ ही गूंदिए, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका स्मूथ सा डो बना के रेडी कर लेंगे। डो रेडी हो गया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। और इसे अच्छी तरह से एक बार और नीड करेंगे। उसके बाद इसे हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए। कम से कम आप इसे इसी तरह रहने दीजिए। चलिए पनीर की स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पनीर लिया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर। अब इसमें डाल देंगे अमचूर पाउडर, साथ में इसमें जाएगा थोड़ी सी हरी मिर्च, धनिया पत्ती, साथ में इसमें जाएगा सॉल्ट। सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हाथ से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मिक्स कर लिया है मैंने इसे। अब इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और इसको इसके इस तरह से गोल गोल आकार बना के रख लीजिए, क्योंकि ऐसे करने से स्टफ करने में इजी हो जाता है। तो इस तरह से गोलाकार करके इक्वल पार्ट में पहले डिवाइड कर लीजिए, फिर उसके बाद इस तरह से गोल बना के रख लीजिए। अब हम चेक कर लेते हैं हमारा डो। चलिए डो देख लेते हैं। देखिए बहुत अच्छी तरह से फूल गया है डो। इसे एक बार और नीड कर लेंगे। बड़े बड़े पोर्शन लेके डो के अब हम इसे बेल लेंगे।
सरफेस डस्ट कर लेंगे। और इसे अच्छी तरह से बेल लेंगे। हमने यहाँ बेल लिया है, इसे देख लीजिए। अब ये जो स्टफिंग हमने बना के रखा है उसको इस तरह से इसमें प्लेस कर देंगे, थोड़ा सा दबा देंगे और इस तरह से सील कर देंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा जो डो रह गया है इसे हम इस तरह से यहाँ से तोड़ लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से सील हो गया है। अब इसे हम बेलेंगे। बेलने से पहले इसके ऊपर थोड़ा सा तिल, वाइट वाले तिल जो हैं उसको मैंने छिड़क दिया है। अब इसे बेल लेंगे। ये कुलचा रेडी है तवे में जाने के लिए। तवा हमने गरम करने रख दिया है तो इसे तवे के ऊपर प्लेस कर देंगे। जिस साइड में हमने तिल लगाया था वो साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और दूसरा जो साइड है पीछे वाला उसको तवे के ऊपर प्लेस कर देंगे। तवा गरम हो चुका है, इसके ऊपर हमने इस तरह से कुलचे को प्लेस कर दिया है। देखिए अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम पानी लगा देंगे हाथ से, इस तरह से। पानी लगाने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा कलौंजी और धनिया की पत्ती इस तरह से लगा देंगे। लगाने के बाद हाथ से इसे प्रेस करते हुए दबा देंगे जिससे कि वो धनिया की पत्ती और कलौंजी इसमें अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। अब इसे पकने देंगे एक साइड से। कुलचा एक साइड से पक चुका है, इसे हम पलटा देते हैं देखिए। और इसमें ऑयल, घी या बटर जो भी आप लगाना चाहते हैं लगा देंगे। अच्छी तरह से दूसरी साइड से भी इसे पका के निकाल लेंगे। एक साइड से बहुत अच्छी तरह से पक चुका है, देखिए कितना बढ़िया कलर आया है कुलचे का। इस तरह से दूसरे कुलचे भी आप रेडी कर लीजिए और इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए।
किसी भी करी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं, छोले के साथ, दाल मखनी के साथ, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है। ये देखिए सॉरी, देखिए बहुत ही बढ़िया कुलचा रेडी हो गया है, अच्छी तरह से कुक हो चुका है। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे, रेडी हो गया है, इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और इसके ऊपर बटर अप्लाई करेंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया कुलचा बन गया, पनीर कुलचा रेडी है। इसमें थोड़ा बटर अप्लाई करेंगे, मैंने इसे मेल्टेड बटर में ही सेंका है तो ज़्यादा बटर लगाने की आवश्यकता नहीं है, मेरे लिए तो इतना काफ़ी है। कुलचा रेडी है सर्व करने के लिए, गर्मा गर्म सर्व कीजिए। आप चाहे तो इसे देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है, ये बहुत ही सॉफ्ट बना है। चलिए सर्व कर लेते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से रेडी है पनीर कुलचा। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे अपने अनुभव ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। इस रेसिपी को आप टीम अप कर सकते हैं दाल मखनी या छोले के साथ, तो फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।